जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मेरी खेल के अंदर सब डिविजनल एजुकेशन अफिसर रिजवान शहीन को चोरी के वार से कत्ल किया गया है। असिस्टेंट एजुकेशन अफिसर का ताल्लुक जिला बनू से है। एजुकेशन अफिसर रिजवान शहीन इस स्कूल के हॉस्टल में गुज़िश्त 2 महीने से अपने बच्चों और शोहर समेत रहती थी। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद शोहर और बच्चे पुरेसरार तौर पर लापता थे और स्कूल को बाहर से ताला लगा हुआ था। एस एच ओ लंडी कोतल इब्राहिम शिनवारी के मुताबिक पुलिस ने स्कूल के चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जराए के मुताबिक एजुकेशन अफिसर रिजवान शहीन के कातिल उनके शोहर हैं जिनको डोमेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराए ने यह भी दावा किया है कि यह अफसोसनाक वाक्य घरेलू नचाकी की वजह से सामने आया है। एजुकेशन अफिसर रिजवान शहीन की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ उनके आबाई ज़िला बनू में अदा कर दी गई हैं। नमाज जनाजा में महकमे तालीम के अफिसर्स और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। दूसरी जानिब महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एजुकेशन अफिसर रिजवान शहीन की कत्ल की शदीद मुज़म्मत की गई है। महकमे तालीम की जानिब से यह भी कहा गया है कि रिजवान शहीन की कातिलों को जल्द कानून के कटहरे में कड़ा करेंगे। उनका यह भी कहना था कि रिजवान शहीन एक काबिल मेहनती और बसलाहियत फीमेल एजुकेशन अफिसर थी।